एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, 8 बजने वाले हैं और 7:30 से आगे है टाइम। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि आज मतलब थोड़ा सा ना मैं अकेली भी हूँ घर पे, क्योंकि आज ध्रुव के पापा गए हैं बाहर और उनको मतलब उनका जो काम है ना वो शायद स्टार्ट होने वाला है कल से। काफ़ी टाइम हो गया है गाइस, उनका काम भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा ना मुश्किल समय चल रहा है हमारे लिए, बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, और ख़ासकर जब छोटा बच्चा होता है ना पास में, तो मतलब कितना मुश्किल होता है समय काटना। तो जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो ये समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो गए बस उसी स्थिति वही स्थिति हम लोगों के साथ हो रही है। तो बाबू को जैसे तैसे करके हम लोग चीज़ें मतलब उसको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी थोड़ा शादी के बाद ये सब कोविड वगैरह हो गया ना, तो इसकी वजह से ना सबकी स्थिति खराब हो गई लोगों की। तो लोगों की जो दिनचर्या थी वो सब चेंज हो गई, तो इसी वजह से मतलब हमें भी थोड़ा सा वो चीज़ फील पहले नहीं हुई थी जब पहला लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब ना थोड़ा थोड़ा फील होने लगा है। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और ये समय ना जल्दी से गुजर जाए, बस ऐसा लगता है कभी कभी। तो आज वो गए हैं, शायद उनका काम स्टार्ट होने वाला है कल से। तो और होली भी आ रही है, तो काम तो शायद होली के बाद ही चलेगा उनका, क्योंकि होली में भी छुट्टियां वगैरह हो जाती हैं। तो होली का क्या है, मुझे होली का कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है गाइस, क्योंकि ना मैं पहले से ही होली नहीं मनाती। जो खाने पीने का होता है ना उसको भी मैं ज़्यादा महत्व नहीं देती, खाने पीने को भी। तो होली का त्यौहार मतलब मुझे ना अच्छा भी नहीं लगता है, पहले से ही नहीं लगता है, अब से नहीं। तो बस यही चीज़ होती है कि हम किसी त्यौहार को लेके एक्साइटमेंट जैसे होता है ना, वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर पहले से ही। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, और वीडियो को ना आप लोग पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और अपना सपोर्ट इसी तरह से बना के रखिएगा। और गाइस वीडियो को ना आप पूरा देखिए, पूरा नहीं तो कम से कम आप 5 मिनट का वॉच कर लीजिए। इससे क्या होता है ना, मेरे वीडियो को मतलब इम्प्रेशन अच्छा मिल जाता है। तो गाइज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि एक दूसरे से ही सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बस यही चीज़ होनी चाहिए सब में। तो गाइज़ आज ना मैं सोच रही थी आप लोगों को ना अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखा देती हूँ, पर फिर सोचा अभी ना बाबू है तो बाबू मतलब मुझे परेशान करेगा। ज्वेलरी कलेक्शन मैं उसी दिन दिखाऊंगी जिस दिन ध्रुव के पापा होंगे साथ में, ताकि वो इसे संभाल सके, क्योंकि इसको संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे अकेली के लिए। और फिर ये ना चिड़चिड़ा भी बहुत हो रहा है, अभी मौसम चेंजिंग की वजह से बच्चे शायद इसीलिए चिड़चिड़ा भी रहे हैं ज़्यादा। तो ज्वेलरी कलेक्शन में किसी और दिन दिखाऊंगी आप लोगों को, और अभी मैं करने जा रही हूँ रूम में थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि सब बिखरा पड़ा है ऐसे ही, बाबू भी ऐसे ही खेल रहा है। आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए मैं बैक कैमरे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बाबू ये इसकी जो बांसुरी है ना ये इससे खेल रहा है, और हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो, हेलो। और बाबू ना ऐसे मतलब बहुत शैतानी भी करने लगा है आजकल। हेलो नमस्ते बोल दो, चलो नमस्ते। देखो कितना शैतान हो गया है मेरा बच्चा, कहना नहीं मानता है। और गाइस ये ना कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ दूध पीता है, और खाना खिलाती हूँ इसको तो बिल्कुल नहीं खाता है खाना। इसकी वजह से ना हम लोग ना कभी कभी इतना मतलब भूखे भी रह जाते हैं। हम सोचते हैं बाबू ये चीज़ खाएगा तो हम ये चीज़ बना लेते हैं, फिर हम वो चीज़ बना लेते हैं तो फिर वो चीज़ हमें ही खानी पड़ती है, फिर हम खाना नहीं बनाते। जैसे दलिया हो गया और मूंग की दाल हो गई, तो ये सब चीज़ें मैं बनाती हूँ इसके लिए। तो ये बस थोड़ी एक 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 आध चम्मच खाएगा और इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी गाइस देखिए मैं जा रही थी रूम की थोड़ी साफ़ सफाई करने, तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो वहाँ पर देखिए मेरी प्रेस भी ऐसी रखी हुई है, क्योंकि मैंने रात प्रेस की थी कपड़ों पे, ध्रुव के पापा को प्रेस किए हुए कपड़े चाहिए थे।
तो पहले ना मैं सारे कपड़े मतलब प्रेस करके हफ्ते में रख लेती थी, पूरे हफ्ते भर के कपड़े। लेकिन जब से बाबू परेशान करना शुरू किया है ना इसने, तो तब से ना सारा मेरा रूटीन ऐसे मतलब बिगड़ सा गया है। तो इसीलिए अभी मैं हाथों हाथ कई बार तो मैं तो बिना प्रेस के भी कपड़े पहन लेती हूँ, लेकिन उनको बाहर जाना होता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको मतलब प्रेस किए हुए कपड़े ही मिले। तो देखिए अभी कवर्ड वगैरह मेरे सारे फाइनल हो गए हैं, आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। और जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो वो प्लीज़ मेरे पिछले ब्लॉग भी देख लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। गाइस आप लोग ना वीडियो दे मतलब लाइक नहीं करते, वीडियो को देखकर ऐसे ही छोड़ देते हो, तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। तो बाबू देखिए यहाँ पे खेल रहा है, आइए चलते हैं, रूम की साफ़ सफाई करती हूँ मैं। तो फ्रेंड, रूम की साफ़ सफाई वगैरह कर दी थी मैंने, और फिर मैं लेकर आ गई थी बाबू को छत पे, क्योंकि उसको मैं धूप लगाने ज़रूर लेकर आती हूँ छत पे। तो अभी हम यहीं पे थोड़ी सी देर खेलेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे नीचे, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और ज़्यादा देर धूप में रहना भी ठीक नहीं है। तो फिर हम तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, और ये ब्रेकफास्ट में है केला और ऑरेंज। एक ऑरेंज रखा हुआ था काफ़ी दिन का, फिर वो ख़राब हो जाता, तो मैंने सोचा आज यही ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी नहीं बनाया था आज मैंने, क्योंकि ध्रुव के पापा नहीं थे। तो मैं केला तो नहीं खाती हूँ, पर ये केला ना पहले का रखा हुआ था तो ये मुझे खाना पड़ा। बाबू भी इतने केले नहीं खा पाता है, एक केला तो वो खा लेता है दिन भर में, तो बस वही मैं खा रही थी गाइस। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो केला ना काला नमक लगाकर बहुत टेस्टी लग रहा था, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे मतलब हाथ का इशारा कर रही थी। और ऑरेंज ना बहुत ही खट्टा था, लेकिन ऑरेंज जब तक खट्टा नहीं होता ना तब तक मज़ा ही नहीं आता, और उस पर काला नमक लगा दिया था मैंने तो और ज़्यादा उसका टेस्ट बन गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और देखिए आज ना मैं आपको पापड़ बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। ये देखिए बिना ऑयल से मैं पापड़ बना रही हूँ, कोई तेल में फ्राई नहीं कर रही इसको, कुछ नहीं, और एकदम नॉर्मल पापड़ बनता है ये विदाउट ऑयल के, एकदम कुरकुरा। तो ऐसे ही मैं धीमी इस पे आँच पे ना इसको सेक लेती हूँ, और ये पापड़ ना बहुत ही अच्छे बनते हैं, और आप चाहो तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, और दाल रोटी कढ़ी चावल के साथ आप इसे खा सकते हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं तो ज़रूर करती हूँ ये काम। और पहले ना मैं ये ऑयल से बनाती थी, फिर ना एक दिन अचानक से मैं ऐसे ही आँच पे ना इसको सेकने लगी तो पापड़ एकदम करारा बन गया। तो यहाँ पे देखिए पापड़ ना बिल्कुल करारा है। और उसके बाद देखिए मैं आ गई थी थोड़ा सा अपना खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी मुझे। तो रात हमने एक ही रोटी खाई थी, एक रोटी ध्रुव के पापा ने, एक रोटी मैंने, तो थोड़ी सी अभी भूख लग रही थी तो सोचा ये खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूध मैंने थोड़ा सा डाल लिया था, इसमें ना मैंने बिरयानी मसाला डाला है, उससे कि ये बहुत टेस्टी लग रही है ये खिचड़ी। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह मैंने खा लिया है, और अभी ना मैं शॉर्ट वीडियो शूट कर रही थी थोड़ी सी, तो सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। तो प्लीज़ शाम तक मेरी वीडियो अपलोड हो जाएंगी, और आप ना वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिए गाइस। और आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये होली सभी के जीवन में ढेरों सारे रंग लेकर आए, ढेरों खुशियां लेकर आए। मेरे जितने भी यूट्यूबर हैं, और जो मेरे मतलब जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, और जो नहीं भी हैं, जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो नहीं देख रहा है, सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, और सब खुशी खुशी होली मनाएँ। और अभी मैं जा रही थी ब्लॉग का एंड करने के लिए, तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो बाबू अभी सो रहा है, और मैं जा रही थी बाबू के नेल्स काटने, उसके ना नेल्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो सोचा अभी वो सो रहा है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, फिर वो जाग जाता है तो नेल्स नहीं कटवाता है गाइज। तो वीडियो मेरी कैसी लगी तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी गाइज। और आज ध्रुव के पापा नहीं है ना घर पर, तो भूख भी नहीं लग रही है, बस थोड़ा सा खाया मैंने, और अब मैं जा रही थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और
और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ बताना भी नहीं चाहती कि मैं गुजिया नहीं बना रही हूँ, क्या है, क्यों होली नहीं मना रही हूँ मैं। तो होली वगैरह तो सब मना रहे हैं पर मुझे ना होली का कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। पर हाँ, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं सबको होली मनानी चाहिए और सबके जीवन में होली खुशियाँ लेकर आए, और साथ ही साथ मेरे जीवन में भी मतलब जो कुछ भी चल रहा है वो सब ठीक हो जाए। और आने वाले ब्लॉग में मैं आपको बता दूंगी कि ऐसा क्या है। तो गाइज अभी, और हाँ, आपको ना मेरा पापड़ बनाने का तरीका कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। वो ना बिना ऑयल से बनाती हूँ मैं और अच्छे भी लगते हैं, बिना ऑयल के होते हैं ना पापड़, तो खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो बाबू देखो यहाँ पे सो रहा है, तो अभी मैं उसके ना नेल्स काटूँगी। और मैंने ना ये वाली साड़ी में रील्स बनाई हैं थोड़ी सी, तो प्लीज़ आप ना वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी रील्स कैसे बनी हैं। तो ठीक है गाइज, अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और हो सकता है कल मेरा ब्लॉग ना भी आए या नहीं आएगा, कोई पता नहीं अभी, और आ भी सकता है। तो मम्मी के यहाँ तो हम 18 को जाएंगे क्योंकि, और वहाँ के ब्लॉग भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे मम्मी के घर के। क्योंकि अगर पिछले ब्लॉग आप लोगों ने मेरे देखे हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वहाँ का ना बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम खुला है ना सब कुछ, तो ग्रीन ग्रीन सब बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर। तो जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर ब्लॉग सेंड करूंगी। ठीक है गाइज, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।